सत श्री अकाल फ्रेंड्स, अदाब, नमस्ते, सलाम, किम शो, की हाल है, हाउ यू। तो तुम देख रहे हो ना कि की दिखाई जा रही है सानू। ये हाँ जी, मैं लगी अज बना जी एक स्पैशल जी रेसिपी। तो मैं स्पैशल तरीके ने ही बनावगी और मैं उम्मीद है कि तुम सारे बहुत पसंद आएगी। तुम भी जरूर बनायो क्योंकि सीजन भी चल रहा है इस चीज़ का। हूँ तो काफ़ी मिल जाती है मार्केट चो, घर भी लोगों ने तकरीबन लगाई होंगी है। असीं तां वैसे घरे लगाए हुए आ। तो स्पैशल दा रैसपी का नाम हैगा शलगम, यानी कि शलजम जिहनूं कहिंदे आ। वाइट वाले शलगम आ मेरे कोल, करीब 2 किलो तकरीब हैगे है मेरे कोल। हाँ देखो, तो इन्हां नूं मैं पहलां जमीन चों पुट्टिया तो साफ सुफ करके इन्हां नूं कट लिया जी। तो उस तों बाद इहदे विच पएगा प्याज, 2 प्याज लए आ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 ही टमाटर, तो 10 तों 15 तुरियां हैगियां लसन दियां, तो इधर हैगियां 3 हरियां मिर्चां। और इन्हें स्पैशल तरीके किस तरह बनाव मैं तुम्हें दसदी हाँ। इन्हों असी बनावे घोट के, तो एक स्पैशल विच इनग्रीडियंट पैना है, वह मैं तुम्हें लास्ट दसागी, ये सीक्रेट है। तो सब तो पहले असी गैस से चढ़ा लवेंगे कुकर। कुकर मैं गैस से चढ़ा दिता है, तो हूँ मैं ये पावगी 1 गिलास पूरा पानी का। 2 किलो शलगम के 1 गिलास पानी का पेगा। इनू हल्का जहा गर्म हो देवे। मैं पा देवगी तकरीबन टेस्ट के हिसाब से नमक पा लो। मैं पा रही हाँ 2 चम्मच सेंधा नमक दे, ठीक है जी। हल्का जहा गर्म होएगा तो असी शलगम ऐड कर देंगे। शलगम ऐड करने तो बाद 3 विसलां देनिया ने, इन्हों अच्छी तरह गलाना है। तो जदों तक पानी गर्म हों वेट करते हैं जी। फ्रेंड्स, पानी हो गया गर्म, तो हूँ मैं जो शलगम वॉश किए हुए ना, इन्हों ऐड कर देंगे। तुम भी जरूर इस तरह बना के देखियो, बहुत वधिया बनते। साडे इहनू कहिंदे ने घोटवें शलगम, कहिंदे कई गोंगलू कहिंदे ने इन्हां नूं, लेकिन साडे शलगम बोलदे आ और बहुत मज़ेदार बनते आ। तुसीं जरूर ट्राई करियो। तो इहदे विच जो स्पैशल पैना मैं तुहानूं बाद च दस्सांगी, फिलहाल तुसीं देखदे जाओ किस तरह मैं बना रही हाँ, तो तुसीं भी उस तरह ही बनायो। तो हुण मैं इहदा जिहड़ा ना ढक्कन लगा देवांगी। ढक्कन लगा के तो इहदियां 3 विसलां तक वेट करनी आ। हाँ जी, इस तरह ढक्कन लगा देना मैं, तो 3 विसलां तक वेट करते हैं। तो जो वह तड़का लगाना असी बाद च लगाना है। तो चलो जी, वेट करिए, फिर तुम भी आ जाओ मेरे नाल, वेट करो। तो खाने भी तैयार है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले आ जी। तो तुम भी जरूर बनाने इस तरह मेरे स्टाइल के नाल, तो खाने आ जी, तुहाडी फैमिली नूं बहुत पसंद आएंगे, स्पैशली तुहाडे पेरेंट्स नूं बहुत पसंद आएंगे जी। बच्चे भी खाणगे क्योंकि विच मैं इस तरह का एक इनग्रीडियंट पा रही हूँ सीक्रेट, कि तुहाडे बच्चे भी खाणगे। अगर तुम वो नहीं पाना इनग्रीडियंट जो मैं दस रही हाँ कि वह पा सकते, तुम वो जगह तुम हरे मटर भी पा सकते हो जी। तो चलो फिर 3 विसलों की वेट करते हैं जी। हाँ जी, देखो विसल लगी अपनी आन, पहली वाली आ चुकी हैं। तो हूँ इन असी अपने आप ही ठंडा होने देवे, तो असी करते हैं तड़के की तैयारी। कढ़ाई के देसी घ्यो पाया, पिघल गया है। तो हूँ मैं ये पा देवगी लसन, ये जीरा बिल्कुल नहीं पैना, तुम इदा ना जीरा ही दब दौ चके, तो जीरा पाने के थोड़ा टेस्ट खराब हो जाएगा, तो तुम जीरा ना पायो। सब तो पहले मैं पावगी लसन, इन मैं मोटा मोटा क्रश कर लिया। ये लसन और अदरक जिन्ना ज़्यादा पाओगे उन्ना ज़्यादा वधिया बनेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, लसन ब्राउन हो चुके और इन्नी वधिया खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। सानू पता लसन की खुशबू बहुत वधिया होंगी है। और हूँ मैं पावगी फाइनली चॉप किया अदरक, 1-2 मिनट इन कर लेंगे छोटे। तो ये तुम जरूर है ना हिंग जरूर पा लो, चलो चुटकी एक हिंग नहीं पा रही हाँ, हिंग जरूर पाइयो। अगर तुम चाहते ना कि टेस्ट ज़्यादा वधिया होंग जरूर पानी आ, जीरा नहीं पाना तुम बिल्कुल भी। तुम चाहो तो मेथे भी पा सकते हो, मेथिया के होर भी वधिया खुशबू आ जाती है, मेथी दाना जिन्हें बोलते हैं तुम। तो 1-2 मिनट सॉटे हो गया, तो हूँ मैं पा देवगी हरी मिर्च। हरी मिर्च पा के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, 1-2 सैकेंड जस्ट इन करा, तो उसके बाद प्याज पा देना। प्याज पा के थोड़ा जहा मैं नमक पा देवगी ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। नमक तो हिसाब ना पाया क्योंकि असं पहला भी पा चुके हैं शलजम के। गैस का फ्लेम हम तेज कर देना है। हाँ जी फ्रेंड्स, प्याज जो है ब्राउन हो चुका देख लो तुम, तो हूँ मैं टमाटर ऐड कर देने। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना, बहुत वधिया बहुत उमदा खुशबू आ रही है जी। फ्रेंड्स, अपने टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हूँ मैं पा देवगी थोड़ी जी हल्दी।
अपने कलर के हिसाब न पा लियो तो नाल ही पा देवे देगी मिर्च तेल मिक्स कर देंगे पा के दो तीन मिनट इन मतलब अच्छी तरह पका लेना कि हल्दी का तो मिर्च का कच्चा पन दूर हो जाए तो इन असं इस तरह छड़ देवे तो प्रैशर कुकर में खोलेंगे मैं पानी पा के इन पकावगी सॉफ्ट करूँगी सॉफ्ट कर लेना प्रैस बहुत वधिया खुशबू आ रही है तो हूँ मैं थोड़ा जहाँ पकावगी गर्म मसाला असं घर का बनाया हुआ है जो गर्म चीज़ कोई भी नहीं है वो भी मैं तेरे नाल शेयर करूँगी किस तरह बनाने असं घर गरम मसाला क्योंकि हूँ मौसम चेंज हो गया है तो इस करके मौसम के हिसाब न जो मसाले यूज करने चाहिए जिस ज़्यादा गर्म चीज़ा नहीं पानी चाहिए तो हूँ इन मैं बंद करके गैस में तो उपर कवर लगा के रख देंगे तो प्रैशर कुकर खोलते हैं प्रैशर कुकर मैं खोलिया देखो अपने जोड़े शलगम मैश हो रहे हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हाँ देखो तो हूँ मैं ये पावगी मक्की का आटा ये मक्की का आटा पा के तो असं घुटना वा जिमें साग नहीं असी रगड़ते होंगे इस तरह पा के रगड़ा ब्लैंडर के नाल हैंड ब्लैंडर के नाल पहला तुम कोशिश करो इस तरह ही मैश हो जाएंगे पानी निकालना नहीं है बिल्कुल भी एदा पानी उस हिसाब ना पायो कि निकालना ना पवे तो हूँ मैं पा रही हूँ मक्की का आटा इस तरह मक्की का आटा पा लेना है पा के एक कटोरी मैं पा रही तो मिक्स कर लेना अच्छी तरह मैश कर लेंगे असं तुम हैंड ब्लैंडर के नाल भी कर लो जो इलैक्ट्रिक हों तो मैं इस तरह ही कर लाँगी तेन घोट लेना अच्छी तरह असी यदि एक ना पेस्ट बनानी है जी हल्की मतलब इन असी एकदम जिमें इस तरह घोट लेना जी फ्रेंड्स देखो इस तरह के हो गए ये तो हूँ मैं ये पावगी थोड़ा जहा पालक मेथी तो धनिया पा के मिक्स कर देना तो गैस में असी ऑन कर देना घट तो घट भी गैस में ना फ्लेम असी स्लो तो करके ना इनू पाँच मिनट असी पकाना है क्योंकि जोड़ा ये असी मक्की का आटा पाया वो कच्चा नहीं रहना चाहिए पा के मिक्स कर लेना तो नाल ही होर पावे असी ये यदा टेस्ट बढ़ाने असी शक्कर पा रहे हैं मैं पावगी ये तीन चम्मच शक्कर दे एक दो ते तीन तुम चाहो तो ये गुड़ पा सकते हो अगर तेरे को गुड़ नहीं या शक्कर नहीं तो नॉर्मल खंड पा सकते हो जिसको शुगर कहते हैं पा के मिक्स कर दवागी तो हम इन ढक्कन लगा के ना मैं पाँच मिनट वास्ते छड़ दवागी इसे तरह अच्छी तरह कुक हो जाए जो ये असी पाया हुआ मक्की का आटा वो अच्छी तरह पक जाए कवर कर दिता है हम तो पाँच मिनट बाद मिलते हैं फिर हाँ जी पाँच मिनट हो गए इन कुक होंगे होंगे तो मैं गैस का फ्लेम ज कर दिता बंद तो हूँ पक चुके एकदम तो हूँ असी पता की करना है आज मैं तुम दस दी हाँ हूँ असी जो तड़का तैयार किया ना इनू वो पा देना इधर अपना जो तड़का रेडी हुआ इन वो पलटी कर देना तो मैं तुम पलटी करके दिखाई जी इस तरह हम मिक्स कर देना चाहिए पा के तो हम कर देवे मिक्स तो गैस का फ्लेम जो मैं चला देवगी गैस में ऑन कर देंगी तो ये जो सीक्रेट इंग्रीडियंट पैना है ना वो मैं तुम्हें दस दी की पा रही हूँ मैं तुम जरूर बनायो बहुत मज़ेदार गया ना देखने तुम्हें लगता होना पता नहीं की बना रही है अज मीरा देखो इन अच्छी तरह मिक्स कर लेना तो हूँ जो सीक्रेट इनग्रीडियंट वह दस मैं की पा रही हूँ ये पावगी पनीर देखो मेरे को पनीर है अद्धा किलो पनीर लिया मैं पा के मिक्स कर देना भी इस तरह मिक्स कर देवे तो ढक्कन लगा के मैं इन दो मिनट होर पकावगी हूँ ता जो जो अपना पनीर है सॉफ्ट हो जाए तो आज देखो पालक तो मेथी धनिया मैं पहले ही पा दिता तुम खाने लिए हो जाओ तैयार तो मैं दो मिनट बाद लैके आ रही हूँ तुहाडे लई जी पहला मैं ढक्कन लगा के पका देवां अच्छी तरह फ्रेंड्स बन के तैयार हो गए अपने पनीर वाले शलगम तो हूँ मम्मी जी लैके जावे थोड़ी जी गार्निशिंग कर लाँगी मैं इस तरह पनीर पाक तो चलो जाके लें मम्मी जी का रिव्यू मम्मी टीवी देख रहे हैं सीरियल देख रहे हैं मम्मी वो मेहर वाला केड़ा आंदा दा सर छोटी सरदारनी देख रहे हैं मम्मी का फेवरेट आ चलो चलिए मम्मी जी को लैके मम्मी देखो फ्रेंड्स टीवी देख रहे उधर भैया दिने खाने वास्ते घोटमे शलगम पनीर वाले तो देखिए खाने तो बाद मम्मी का की रिएक्शन टेस्टी लगता कि नहीं उन्होंने
मम्मी जी की करी जा रहे तुसी टीवी देखते हो? मैं टेस्ट करूंगा तुसी सब्जी बनाई शलगम घोट में शलगम पनीर पा के देख लेनी है स्वाद की बना रहा अगे भी तो तुसी खाने ही आ आज भी खा के दस दो किद्दा ते बने आ। लो जी मम्मी लगे खान हाँ जी दसो किस तरह के बने माता श्री जी बहुत टेस्टी बने झूठ नहीं बोलना सच बोलना बहुत स्वाद एवं ना अपनी कुड़ी की तारीफ करी जाए बहुत स्वाद पसंद है तुम पक्का मेरी कसम खाओ एक चम्मच होर खाण गए मम्मी तो नाल तुसी मक्की की रोटी खानी का कणक की मक्की की खानी हाँ जी फ्रेंड्स मम्मी मेरे हमेशा शलगम के नाल मक्की की रोटी खाते आ ते लो जी तुसी भी कर लो इंजॉय खाओ तुसी भी शलगम ते खा के तुसी भी दस्यो किस तरह के बने क्योंकि मम्मी जी नूं तां गए ने पसंद ते हुण बारी आ गई तुहाडी ते तुसी भी खाओ ते खा के मैनूं दसो कमेंट बॉक्स दे विच किस तरह के लगे तुहानूं ते जो मेरी वीडियो नूं ओपन करदे हुंदे प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया करो जी ते नाल वीडियो नूं वध-वध शेयर करिया करो लाइक ते कमेंट जरूर करिया करो ते बैल आइकन नूं जरूर दबाया करो तां जो मेरी आने वाली नवी आने वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानूं मिलदी रहे जी तो मिलते हैं अगली वीडियो तद तक मेरे वल्लों तुहानूं सारिआं नूं सति श्री अकाल।